जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समाज के अति पिछड़े निर्धन वर्ग के छूटे हुए व्यक्तियों को उनका पात्रता सूची में सम्मिलित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छूटे हुए लाभार्थियों के सर्वेक्षण हेतु 24 अक्टूबर से 30 नवंबर के मध्य तक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने समस्त SDM, BDO, EO एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा के ऐसे मजरे जहां पर सामाजिक आर्थिक दृष्टि से समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति निवासित हों, उनका डोर टू डोर सत्यापन कराए जाएं, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति या समूह यथा भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, जूते चप्पल के मरम्मत करने वाले, फेरी खोमचे, रिक्शा चालक, कुष्ठ रोग से प्रभावित, एड्स से पीड़ित, पिता विहीन बच्चे, स्वच्छकार, दैनिक वेतन मजदूर, कुली, पल्लेदार, भूमि हीन मजदूर के परिवार, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, प्रत्येक महिलाएं, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया निराश्रित महिला, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं एवं उस परिवार में कोई अन्य बालिक पुरुष नहीं है, आवासहीन परिवार, कुपोषण से पीड़ित बच्चों के परिवार, वनटंगिया, गुसहर आदि आते हों, राशन कार्ड के लाभ से वंचित ना रहें एवं उनका पात्रता के आधार पर शत प्रतिशत संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाए।